तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है घटिका। घटिका यानी कि समय लेखनम। जब आप क्लास 10 संस्कृत का बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपके जो CBSE अंकल है वो आपसे घटिका के क्वेश्चन पूछेंगे, जो टोटल 4 नंबर का होगा और बहुत ही ईजी होता है। तो आज के इस लेक्चर को देखने के बाद 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो आज से स्टूडेंट हम लोग नए सेशन का लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं। तो पहला लेक्चर है तो कुछ बात भी बताना होगा। संस्कृत की आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें संस्कृत में कुछ भी नहीं आता, कैसे पढ़े। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, पूरे साल हमारे साथ पढ़ाई कीजिए, आपका फुल मार्क्स आएगा। आपको अगर यकीन नहीं हो संस्कृत के फूफा जी पे तो आप कमेंट पढ़ सकते हैं या आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं जो अभी 10th दिए हैं। और अगर आपके भाई बहन अभी 10th दिए होंगे और उनका संस्कृत सब्जेक्ट होगा तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा, हमारे बारे में सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। उससे पहले एक और बात बता दें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास का लेक्चर का नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन उसी पे दे देंगे। उससे बाहर से CBSE में क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है, घटिका नाम है। सर कितना बार बताइएगा, बताना पड़ता है। घटिका को हम लोग समय लेखनम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, समय लेखनम के नाम से भी जानते हैं। मतलब जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो कोई टाइम दे देगा, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इतना ही देगा। ठीक है, और उसका आपको संस्कृत में लिखना रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले घटिका पढ़ने से पहले आपको घटिका के जो 3 बेसिक है, जो हमें विश्वास है कि क्लास 9th में आप नहीं पढ़े होंगे, वह याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहेंगे सर वो 3 चीज़ क्या है, तो बता रहे हैं याद कर लीजिएगा। भले बाबू सोना याद हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये 3 चीज़ हमेशा याद रहना चाहिए। तो देखिए कौन कौन है। पहला है स्टूडेंट सपाद। पहला क्या है, सपाद, स पा द। ठीक है, सपाद। सपाद का मतलब होता है 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट। 15 मिनट को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, सपाद कहते हैं। 15 मिनट को संस्कृत में क्या कहते हैं, सपाद कहते हैं। दूसरा होता है सार्ध। दूसरा होता है क्या, सार्ध। सार्ध का मतलब होता है 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट इंग्लिश में, 30 मिनट हिंदी में, और संस्कृत में सार्ध हो गया। और तीसरा होता है पादोन। क्या होता है, पादोन। पादोन का मतलब होता है 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट। तो ये 3 चीज़ें अगर आपको याद है, ठीक है, क्या क्या, सपाद का मतलब 15 मिनट, सार्ध का मतलब 30 मिनट, और पादोन का मतलब 45 मिनट, तो समझिए 50% कॉन्सेप्ट आपको आ गया। अब 50% कॉन्सेप्ट आगे बताते हैं। तो यह 3 चीज़ें आपको याद रहने ही चाहिए। एक बार देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, एकदम हो रहा है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से मोबाइल लिए हैं तो होगा ही। ठीक है, तो 3 चीज़ें याद रहना जरूरी है। एक बार फिर से बोल देते हैं, सपाद का मतलब होता है 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट, सार्ध का मतलब होता है 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट, और पादोन का मतलब क्या होता है, 45 मिनट। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। और एक बात ध्यान रखिएगा, सर PDF में लिख दीजिए, नहीं, खुद से बनाइए नोट्स, वो अच्छा रहेगा। और नोट बनाइए, उससे पढ़िए, 10th टॉपर बनिए और बहुत अच्छे पोजीशन पे जाइए, और नोट से क्या कमाइए, नोट कमाइए। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं रफ। अब आगे के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। रफ कर दें, कर दीजिए सर। ठीक है, और एकदम टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यह 3 कॉन्सेप्ट के बाद, उसके बाद आपको टाइम संस्कृत में डिजिट का जो मतलब है वो आपको आना चाहिए। जैसे 1 को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। आ हा 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 सर क्या बात बताएं। 2 को हम लोग क्या कहते हैं, तो 2 कहते हैं। ठीक, 3 को क्या कहते हैं, तो 3 को हम लोग 3 कहते हैं।
चार को क्या कहते हैं? तो चार को हम लोग चतुर कहते हैं। पांच को क्या कहते हैं? तो पांच को हम लोग पंच कहते हैं। छः को क्या कहते हैं? छः को हम लोग षड् कहते हैं। ठीक है, सात को क्या कहते हैं? तो सात को हम लोग सप्त कहते हैं। उसी तरह आठ को क्या कहते हैं? तो हम लोग अष्ट कहते हैं। नौ को क्या कहते हैं? तो हम लोग नौ कहते हैं। दस को क्या कहते हैं? हम लोग दस कहते हैं। और ग्यारह को क्या कहते हैं? एकादश कहते हैं। ये भी याद रहना जरूरी है। बारह को क्या कहते हैं? तो हम लोग द्वादश कहते हैं। ठीक, तो यह याद रहना जरूरी है। ये था कॉन्सेप्ट। अगर इतना याद है तो अब आपको टाइमिंग बनाना सिखा देंगे, उसके बाद तो बोर्ड एग्जाम में पूरा चार नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और एकदम मन लगाकर सबको पढ़ना है। ठीक, आपके पिताजी बहुत मेहनत करके पैसा कमा के आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए आवाज़ अच्छा जाए, गर्मी है, पंखा बंद कर दिए, देखिए कितना पसीना जा रहा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं, पसीना पसीना हो गया। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपके पिताजी भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, तब जो है ना तभी हम लोग टॉपर बन पाएंगे। ठीक, तो यह भी चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि एक को एक, दो को दुई, तीन को त्रि, चार को चतुर, पाँच को पंच, छः को षड्, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नौ, दस को दस, ग्यारह को एकादश और बारह को क्या कहते हैं? द्वादश कहते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। तो अब चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन। अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उसको याद जुलूल जुलूल कर लीजिएगा। वो शादी के कार्ड पे लिखा रहता है ना कि मेरे बुआ के थादी में दुलूल दुलूल लाना जी, तो उसी तरह अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है उसको जुलूल जुलूल याद कर लेना जी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर इधर ये क्या लिख दिए हैं, तो अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उसी को लिख दिए हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी के रेफरेंस में बनाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज हमें कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो CBSE अंकल आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो टाइम का जो क्वेश्चन है यानी कि घटिका का समय लेखनम का, वो टोटल चार फॉर्मेट में पूछा जाता है। पहला फॉर्मेट क्या है कि कोई भी आपसे टाइम पूछेगा, दुनिया का कोई भी टाइम, दुनिया का कोई भी टाइम क्या 12 टाइम ही होता है, तो पूरा पूरा टाइम पूछेगा। सर इसका मतलब बताइए, बता रहे हैं, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, पेशेंस हो बना के लेक्चर देखिए, सब समझ में आएगा। पूरा पूरा टाइम कहने का मतलब है स्टूडेंट, जैसे पूरा पूरा टाइम दे देगा, जैसे एक बजे का बताइए, दो बजे का बताइए, तीन बजे का बताइए, चार बजे का बताइए, ठीक इसी तरह 12 बजे तक का आपसे पूछ लेगा, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। ठीक ठीक, पूरा पूरा टाइम। दूसरा क्या फॉर्मेट होता है स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने का, कि आपको 15 मिनट पे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे 1:15 का बताइए, 2:15 का बताइए, 3:15 का बताइए, और ठीक इसी तरह चलते चलते 12:15 तक ये कारवा जो है चलता चला जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या फॉर्मेट होता है, 30 मिनट पे क्वेश्चन पूछता है। जैसे 1:30 का बताइए, 2:30 का बताइए, 3:30 का बताइए, 4:30 का बताइए, समझ रहे हैं। और ये चलता चला जाएगा कहाँ तक, 12:30 यानी कि 12:30 तक। चौथा जो फॉर्मेट है स्टूडेंट वह है 45 मिनट पे पूछने का। जैसे 1:45, 2:45, 3:45, हिंदी में 45 को 45 बोलते हैं, 4:45, 5:45, और ये चलते चला जाएगा 12:45 तक। तो यही फॉर्मेट में आपसे सवाल पूछेगा आपका CBSE अंकल। देख लेते हैं उधर जा रहा है कि नहीं, ठीक है समझ गए। तो किसी के मन में क्वेश्चन हो कि क्या सर हमसे 1:16 पूछेगा, 1:32 पूछेगा, 1:49 पूछेगा, तो कभी नहीं पूछेगा। टाइम जो पूछेगा या तो पूरा पूरा पूछेगा, 1 बजे का पूछ ले, 2 बजे का पूछ ले, 3 बजे का पूछ ले, 4 बजे का पूछ ले, नहीं तो 15 मिनट ऐड करके पूछेगा कि 1:15 का बताओ, 2:15 का बताओ, 3:15 का बताओ, नहीं तो 30 का पूछेगा, 1:30, 2:30, 3:30, ठीक है हिंदी में बताते हैं 3:30, 4:30 और 12:30 तक, या 45 यानी कि 45, तो 1:45, 2:45, 3:45। तो यही चार टाइप का सवाल आपसे पूछेगा। कभी भी 16 मिनट, 32 मिनट, 49 मिनट,
48 मिनट 27 मिनट ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है। तो आप अपने दिमाग से जो ये टेंशन था इसको दूर कर दीजिए। अब आइए हम आपको सिखाते हैं कि क्वेश्चन बनता कैसे है। चलिए एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और जिंदगी में जो भी टेंशन हो ना बाबू, उसको पेंशन लेने भेज दीजिए। अरे बाबू बोले नहीं, बाबू सोना भी टेंशन दे रहा है ना, नया ले लीजिए, ठीक है। कौन टेंशन है, नया बाबू लीजिए मीना बाजार में, ₹10, ₹10, ₹10, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं। एक बजे का कॉन्सेप्ट में हल्का चेंज होता है जो लास्ट में हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। दो बजे से हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें दो बजे का टाइम संस्कृत में बताना है, तो जिसको आ रहा है नीचे कमेंट कर दीजिए, कोई भी टेंशन नहीं है। और जिनको नहीं आ रहा है वो सीखिए, सीखने ही तो आए हैं तो सीख के जाना ही है, ठीक है। चलिए आपको सिखाते हैं। तो जैसे ही आपने पढ़ा दो बजे, सिंपल दो का क्या होता है, तो सर दुई होता है, दुई लिख दीजिए। और उसके बाद आप क्या लिख देंगे, वादने लिख देंगे, या आप वादनम लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देना है, दो बजे का, तो दो का क्या होता है संस्कृत, दुई होता है, तो दुई लिख दिए, वादने ऐड कीजिए या वादनम ऐड कीजिए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर दो बजे का तो हम समझ गए कि दो का संस्कृत दुई होता है, वो आप ऐड कर दिए, और टाइम का सर आपने वादने ऐड किया और वादनम ऐड किया। लेकिन सर ये बताइए कि जब हम बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो हम वादनम लिखेंगे या वादने लिखेंगे। और यही कन्फ्यूजन आप स्टूडेंट का दूर नहीं हो पाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट जाता है। वो रोड रास्ता पे लिखा रहता है ना, सावधानी हटी और वहीं पे दुर्घटना घटी। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कहाँ पे वादने लिखना है और कहाँ पे वादनम लिखना है, तो आता हुआ भी क्वेश्चन आप बोर्ड के एग्जाम में गलती करके आएंगे। और सब कुछ बताते हैं, इसीलिए संस्कृत के उपाधि कहलाते हैं। अब चलिए सिखाते हैं कि कहाँ क्या यूज करना है। देखिए स्टूडेंट, जब आपको टाइम डायरेक्ट दिया रहे तब आप वादनम का यूज करेंगे। जैसे जैसे हम सीधा यहाँ पे लिख दे दो बजे, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, दुई वादनम देंगे, ठीक हो गया। लेकिन यही टाइम अगर कोई सेंटेंस के साथ रहे, कोई वाक्य के साथ रहे, तो उसमें हम लोग हमेशा वादने का यूज करेंगे। थोड़ा सा समझिए, जैसे यहां पे एक हम वाक्य लिखते हैं, बालकह डैश दो बजे पढ़ती, इसका हिंदी होता है कि बालक दो बजे पढ़ता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा यहीं पे कि सर हमको तो इसका हिंदी ही नहीं पता है, इसका संस्कृत ही नहीं पता है, सर हमसे नहीं बनेगा। घटिका में स्टूडेंट जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे, ये जो सेंटेंस लिखा रहता है ना, ये ऐसी आपको क्या कहें, डराने के लिए लिखा रहता है, ठीक। अब बोर्ड का एग्जाम है तो थोड़ा भारी भरकम लगना चाहिए ना, तो इसको तो देखना ही मत है कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो बजे सेंटेंस के साथ लिखा हुआ है, किसी वाक्य के साथ लिखा हुआ है, तो वाक्य के साथ रहे तो हम हमेशा वादने का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे दो बजे है तो क्या हो जाएगा, दुई वादने हो जाएगा, ठीक। तो एक कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ कि कहाँ पे हम लोग वादने का यूज करेंगे और कहाँ पे हम लोग वादनम का यूज करेंगे। अब आपके मन में होगा कि क्या सर सेंटेंस का कोई भी रोल नहीं है क्वेश्चन बनाने में, कोई भी रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। अगर लड़की के शादी में लड़की का मेकअप कर दिया जाए फिर भी उसका शादी होगा, बिना मेकअप के भी कोर्ट मैरिज हो जाता है फिर भी उसका शादी होता है, तो ठीक इसी तरह यहाँ पे कोई भी सेंटेंस दे दे, बालकह डैश पढ़ती, बालकह डैश लिखती, वैसे कोई भी मतलब नहीं है। आप जब बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे तो आपको इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस दे देगा और वहाँ पर टाइम दे देगा, तो आपको जो है ना डराने की कोशिश करेगा। कौन, CBSE अंकल। तो आप क्वेश्चन को देख के ऐसे कहेंगे, अरे तुम है, तुमको तो उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि सेंटेंस से कोई मतलब ही नहीं है, बस टाइम देख के यहाँ पे लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइम के क्वेश्चन पे, ठीक। अब आपको थोड़ा सा एक मैम आएगी और समझाएंगी, ठीक है, लंदन से।
Hello, a student. I am Jacqueline Fernandez, the sister of Jacqueline Fernandez from London University. सही पानी पानी हो गए तो a student, यहाँ पे तुमने देखा कि 2 बजे का क्या होता है, 2 वादने या 2 वादनम होता है. तो तुम तो यह समझ रहे हो कि 2 का 2 और वादने या वादनम टाइम का होता है. ओके तो जब टाइम सिंपल दे दे 2 बजे लिख दे, ठीक है, तो हम लोग वादनम का यूज करेंगे. ठीक, और अगर सेंटेंस के साथ टाइम दे, जैसे यहाँ पे बालकह डैश 2 बजे पढ़ती, मीन्स डैट हम लोग वादने का यूज करेंगे. ओके अब मैं जा रही हूँ लंदन, बाय. तो चलिए स्टूडेंट, अब मैम भी समझा दी तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ वादनम का यूज करना है, कहाँ वादने का यूज करना है. ठीक है, लेकिन CBSE में हमेशा सेंटेंस के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जो CBSE वाले स्टूडेंट हैं वो हमेशा किसका यूज कीजिएगा, वादने का ही यूज कीजिएगा. ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ठीक, चलिए तो 2 बजे का आपने क्या सीखा, तो 2 बजे का सर हमने सीखा 2 वादने या 2 वादनम. ठीक, अभी वादने ही लिख रहे क्योंकि CBSE के बच्चों को पढ़ा रहे, तो आपका तो हमेशा क्वेश्चन सेंटेंस में ही रहेगा, सीख लीजिए. अब 2 बजे के बाद आएगा क्वेश्चन तो 2:15 का आएगा, 2:14, 2:13, 2:12, 2:11 कभी आपसे नहीं पूछेगा, 2 बजे का पूछेगा, नहीं तो उसके बाद 2:15 का पूछेगा. अब 15 मिनट वाला क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है वो आपको हम बताते हैं. जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए इस तरह से तो आँख निकाल के देखिए, ऐसे 15 मिनट लिखा हुआ है तो चुपचाप 15 मिनट का संस्कृत क्या होता है सर, सपाद होता है. तो वही सपाद आपको पहले यहां पे लिख देना है. जब भी देखिए 15 मिनट लिखा हुआ है, पहले आपको क्या लिख देना है, सपाद लिख देना है. जब भी देखिए 15 मिनट लिखा हुआ है, पहले आपको क्या लिखना है, सपाद लिख देना है. उसके बाद 2 है तो सिंपल क्या लिख देना है, 2 वादने लिख देना है. हो गया, बन गया हमारा क्वेश्चन. अब आप कहेंगे कि सर यहां पे तो सीधा टाइम लिखा हुआ है, आप वादनम का यूज नहीं कर रहे हैं. तो CBSE के बच्चे ना हैं आप, CBSE में सेंटेंस के साथ टाइम देगा, तो आप बार बार उतना सेंटेंस लिखेंगे तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा और सेंटेंस का तो कोई रोल ही नहीं है, बस आपको टाइम देखना है और उसका बताना है. इसलिए आप लोग हमेशा अपने हैबिट में वादने लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ओनली फॉर CBSE. चलिए आगे बढ़िए. अगला टाइम जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा 2:30, यानी कि 2:30. हमारे यूपी बिहार के बोलचाल के भाषा में इसको 2:30 बजे कहते हैं. तो जब भी देखिए 30 है, 30 मिनट है, तो 30 का क्या है, तो सर सार्ध है, तो बिल्कुल सार्ध आगे लगा दीजिए. और 2 का क्या होता है, तो सर 2 वादने, 2 वादने यहाँ पे आप लिख दीजिए. हो गया, बन गया. उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछेगा तो वो पूछेगा 2:45, यानी कि 2:45 का. तो सर आप मत बताइए, हम सीख गए कैसे. तो सर यहाँ पे पादोन है तो आगे लगा देंगे पादोन, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं. और सर यहाँ पे 2 है तो लगा देंगे 2 वादने. यहीं पे आपसे गलती हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा जो है जल्दीबाजी में नहीं रहना चाहिए. हमारे यूपी बिहार में गाँव में कहावत है कि हुलबुल्ली का ब्याह आ कनपट्टी में सिंदूर, मतलब कि शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि सिंदूर लड़की के मांग में लगाने के बजाय यहीं पे लगा दिया. ठीक, तो आप जब भी 45 वाला क्वेश्चन देखें बहुत पेशेंस से उसको बनाइए. जब भी आपको 45 वाला क्वेश्चन दिखे, यहाँ पे बताते हैं, जब भी आपको 45 वाला क्वेश्चन दिखे, 45 वाला क्वेश्चन दिखे, तो 45 का आप पादोन तो लिखेंगे ही. यस सर, सही तो बनाए हैं, बिल्कुल सही. लेकिन अगर यहाँ पे 2 है तो आप 3 का संस्कृत लिखेंगे. तो यहाँ पे 2 है तो हम 3 का क्या लिखेंगे सर, 3 वादने लिखेंगे. समझे, जब भी आपको 45 वाला कहानी आए तो हम 1 आगे बढ़ जाते हैं. 45 का हमने क्या लिखा सर, पादोन लिखा यहां से. और 2 है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो 3 का संस्कृत क्या हुआ, 3, और वादने हम लोग को ऐड करना है. इसी तरह मान लीजिए कि अगर हमें लिखा रहे 3:45,
3:45 यानी 3:45। तो 45 का क्या होता है सर? पादोन होता है। तो पादोन तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन 3 है तो हम लोग आगे 4 में बढ़ जाएंगे। 4 का क्या होता है? चतुर्वादने होता है। तो आप जो है चतुर्वादने बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं जो गलत है। चतुर्वादने स्टूडेंट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? ऐसे यहाँ पे एक ऐसे ऊपर वाला जो है ऐसे दिया जाता है। तो चतुर्वादने आप लोग ऐसे लिखिएगा। मान लीजिए कि अगर दिया रहे 4:45 यानी कि 4:45, तो 45 का क्या होता है? पादोन होता है। तो पादोन तो आप लिखिए ही, 4 का कहाँ बढ़ जाइए आप? एक आगे बढ़ जाइए। तो 4 के बाद क्या होता है? 5 होता है। तो क्या हो जाएगा? पादोन पंच वादने। देखें तो हमेशा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो जो जो अभी हम बताए हैं उसका ध्यान रखिएगा कि जब भी सिंपल सेंटेंस दे, ठीक है, तो आप सिंपल बनाएंगे। 15 मिनट के साथ दे तो आगे सपाद लगाएंगे। 30 मिनट के साथ दे तो आगे सार्ध लगाएंगे। अगर 45 मिनट वाला क्वेश्चन दे तो आप पादोन लगाएंगे, लेकिन एक नेक्स्ट आप बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं उसका करते हैं प्रैक्टिस। तो अब चलिए स्टूडेंट करते हैं बोर्ड के क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो 4-5 आपको बोर्ड का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देते हैं, उसके बाद जितना भी टाइम आने वाला है ना सब कुछ का प्रैक्टिस करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे तो इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रातः -7:30 योगाभ्यास, तो आपको कोई मतलब नहीं है कि आप जो हो इस सेंटेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ करें। कोई मतलब नहीं है कि सेंटेंस को देखें, सेंटेंस को तो देखिए ही मत, ऐसे आंख बंद कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ क्या किस चीज को देखना है? टाइम को देखना है और उसके अगल बगल में देखना है। अभी सब आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7:30, तो आपको हमने क्या बताया है कि सर 7:30 है, तो सर 30 का तो सार्ध होगा, बिल्कुल सही आप बनाए, और 7 का क्या होगा सर? सप्त होगा। अब बताइए वादने लगेगा कि वादनम लगेगा? सर ये तो सेंटेंस के साथ टाइम दे दिया हुआ है तो वादने लगेगा, तो वादने लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला का? सर सार्ध सप्त वादने। बताइए कोई इसमें दिक्कत है? कोई भी जरूरी नहीं है कि ये सेंटेंस का हिंदी आपको मतलब पता हो या संस्कृत पता हो, कोई मतलब नहीं है, बस आपको टाइम देखना है। और यही स्मार्टनेस से तो हर एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं, तभी तो फूफा जी कहलाते हैं। अभी साल भर आप हमारे साथ पढ़िए, खूब मजा आएगा। अब अगला देखिए 8:45, तो हमने आपको क्या बताया? जब भी 45 यानी कि 45 का कहानी आए एकदम चुप हो जाइए और बड़े पेशेंस के साथ बनाइएगा। 45 है, अच्छा ठीक, पादोन तो लगेगा ही। 45 यानी कि 45 है, पादोन तो लगेगा ही। नीचे नहीं दिख रहा है तो ऊपर बताते हैं, 45 है तो पादोन तो लगेगा ही, लेकिन जब भी पादोन लगता है तो एक क्या हो जाता है? आगे बढ़ जाता है। तो 8 क्या हो जाएगा सर? 8 9 हो जाएगा। 9 का संस्कृत क्या होता है? 9 ही होता है, तो 9 हो जाएगा। और ये सेंटेंस के साथ है तो हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? वादने का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? पादोन 9 वादने। अभी रुकिए, आपको हम बोले ना कि जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो थोड़ा अगल बगल पढ़ लीजिएगा। देखिए 8:45 के बगल में पहले से ही वादने लिख दिया है, तो हमें वादने लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो हम लोग सिंपल पादोन 9 लिखेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से ही वादने लिख दिया है, तो हम क्यों लिखें? इसमें नहीं लिखा था इसलिए लिखे। अगला है 10:15, तो 10:15, तो 15 का क्या होता है सर? सपाद होता है, बिल्कुल सही। और 10 का क्या होगा? 10 हो जाएगा सर। वादने वगैरह लगा है? तो नहीं सर, नहीं लगा है, सेंटेंस में है तो वादने लगाएंगे, वादनम भूल के भी नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए 11 है, तो 11 का क्या हो जाएगा? एकादश वादने, 11 का एकादश और वादने लगा देंगे, बन गया। कोई हमने सेंटेंस या आपने सेंटेंस पढ़ा? नहीं ना पढ़ा, फिर भी हर एक क्वेश्चन आपसे बन गया कि नहीं बन गया? तो इसी तरह बोर्ड का हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब आपको एक एक करके जितना भी टाइम हो सकता है सब प्रैक्टिस करा देते हैं, एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। अब कॉपी पेन निकालिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान रहे अगर सेंटेंस के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है तो सेंटेंस तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात
बात का ध्यान रखना है कि हमें वहाँ पे वादने का यूज करना है, ठीक है। तो सीबीएसई में तो सेंटेंस के साथ ही क्वेश्चन दिया रहता है, तो बार बार हम सेंटेंस लिखेंगे तो वीडियो हो जाएगा 5 घंटा का, तो कोई काम का तो रहेगा नहीं, इसलिए सेंटेंस नहीं लिखेंगे। लेकिन आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा कि सेंटेंस के साथ ही लिखे हैं, कैसे इमेजिन कर लेते हैं, अंकिता मेरी है, प्रिया उसकी है, ठीक उसी तरह, ठीक है। चलिए तो हो गया स्टूडेंट, प्रैक्टिस हो गया बोर्ड का क्वेश्चन। सर इतना से काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन जितना भी टाइम पूछ सकता है सब हमको पता है, सब आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। अब प्रैक्टिस कराने से एक बात पहले बोल दें कि सेंटेंस हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और सेंटेंस का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ टाइम पढ़ना है और आंसर देना है। सीबीएसई में हमेशा सेंटेंस के साथ पूछता है, तो इमेजिन कर लीजिएगा कि सेंटेंस दिया ही हुआ है, ठीक है। जैसे इमेजिन कर लेते हैं ना कि वो उसकी है, वो मेरा है, ये तेरा है, वो किसका है, फलाना का है, चिलाना का, उसी तरह, ठीक है। तो सेंटेंस समझिएगा है, बस आपको टाइम बताना है। सेंटेंस के साथ सीबीएसई में पूछता है, इसलिए हमेशा वादने का यूज करेंगे आप, ठीक। तो चलिए एक का जो है वो लास्ट में आपको हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 बजे का क्या बताएं? अब जल्दी जल्दी बताएंगे, सर 2 बजे का 2 वादने हो गया। चलिए 2 बजे के बाद क्या आता है? तो 2 15 लगा हुआ है, तो आगे क्या लगाना है? सपाद लगाना है, सपाद 2 वादने, बनाते रहिए हमारे साथ। 2:30 का जल्दी बताइए, तो 30 का क्या होता है? सर सार्ध होता है, सार्ध होता है, और ये 2 का क्या हो जाएगा? 2 वादने, तो क्या हो जाएगा? सार्ध 2 वादने। उसके बाद आगे बढ़िए, 2:45 यानी 2:45, तो 45 का क्या होता है? पादोन होता है, और सर 2 लगा हुआ है तो 2 वादने, बिल्कुल गलत। जब भी 45 हो, एक नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 वादने हो जाएगा, ठीक। ये रूल है, जब भी 45 रहे तो एक नेक्स्ट चले जाइएगा आप, ठीक है। चलिए तो ये 2 बजे का हो गया, ठीक है। अब रफ कर देते हैं, अब आपको 3 बजे का बताते हैं, नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है जल्दी जल्दी कीजिए, चलिए जल्दी जल्दी करना है ये। अब आप खुद बनाएंगे, हमारे लिखने से पहले आप लोग लिखिए, एकदम कोशिश कीजिए। 3 बजे आपसे पहले हम लिखेंगे, हम टीचर ना है जी। 3:15, तो 15 का क्या होता है? सपाद होता है, और 3 का क्या होता है? तो 3 वादने हो गया, बन गया। उसके बाद 3:30 जल्दी बताइए, तो 30 का क्या होता है? सर सार्ध होता है, तो सार्ध हमने लिखा। 3 का क्या होता है? सर 3 होता है, तो लीजिए 3 वादने, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए, 3:00, अब नेक्स्ट क्या आएगा? 3:45 यानी 3:45, तो 45 है तो क्या लगाएंगे? सर पादोन लगाएंगे, पादोन लगा दिए। 3 का क्या हो जाएगा? सर 3 वादने हो जाएगा, 3 वादने हो जाएगा। 45 है तो पादोन तो होगा ही, और 45 है तो एक नेक्स्ट हो जाएगा, तो 3 के बाद क्या आता है? तो चतुर आता है, लेकिन चतुर में जब हम वादने का यूज करते हैं तो र जो है ऐसे हो जाता है ऊपर, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, बन गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 बजे पे। चलिए ऐसी प्रैक्टिस कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आज के लेक्चर से बाहर आपसे नहीं पूछेगा, आज के लेक्चर देखने के बाद 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। अब बताइए 4 बजे का बताइए, तो सर चतुर वादने, तो अभी आपको बताएं ऊपर क्या हो जाता है? ऐसे लग जाता है, र जो है ऐसे लग जाता है, ठीक, ये आप याद ही कर लीजिए। 4:15, तो आगे 15 लगा हुआ है तो क्या लगेगा? सपाद लगेगा, और ये चतुर वादने हू बहु उसी टाइप से यहाँ पे लिखा जाएगा, बनाते रहिए हमारे साथ, प्रैक्टिस कीजिए। 4:30, 4:30 हिंदी में बोले तो 4:30 क्या हो जाएगा? 30 है तो लगेगा सार्ध, और 4 है तो चतुर्वादने, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। पसीना बहुत है, गर्मी से मर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए ठीक है, 4:45 यानी 4:45, तो 45 है तो 45 का क्या होता है? तो पादोन होता है, और 4 है तो एक नेक्स्ट हो जाएगा, यानी एक नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5 का क्या होता है? पंच, तो पंचवादने, ठीक। इसी तरह आप आगे तक क्या करेंगे? प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, एकदम आगे तक प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ठीक। अब चलिए आपको बता देते हैं अगला 1 बजे का, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो बता देते हैं, अब आगे आप लोग खुद कर लेंगे ना। जैसे 5 बजे तो क्या हो जाएगा बताइए? पंचवादने हो गया। 5:15 है तो क्या हो जाएगा? 15 का क्या होता है? सपाद होता है, तो सपाद पंचवादने, वही चीज़ आप 12 तक क्या करेंगे? प्रैक्टिस
कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको हम बता देते हैं। एक बजे वाला में, चार बजे वाला में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे चतुर का यूज हो जाता है उस टाइप से। अब देखिए, एक बजे का है तो एक बजे का क्या लिखिए आप? एक वादने लिखिए। बिल्कुल सही, क्या लिखेंगे? एक वादने लिखेंगे। एक बज के 15 मिनट का है तो 15 का तो आप लोग लिखते हैं, सपाद लिखते ही हैं, और साथ में एक वादने ऐड कर देते हैं, जो है तो बिल्कुल आपके हिसाब से सही लेकिन है गलत। अब आप कहेंगे सर क्यों ऐसा रूल नहीं चलेगा? चलेगा। देखिए, सपाद एक वादने आप तो सही लिख रहे हैं, लेकिन द और ए मिलके वृद्धि संधि हो जाता है, जो आपको हम संधि में पढ़ाएंगे, तो उसका क्या हो जाता है? सपाद। और ये द जो होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो द होता है इसी पे डबल एकले आ जाता है। ठीक, एक संधि होता है अ प्लस ए इक्वल टू ए। ठीक, ये वृद्धि संधि है, आप 9th में नहीं पढ़े होंगे, हमको यकीन है संधि जब आपको पढ़ाएंगे तो ये पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बस आप द पे डबल एकले हो जाता है और एक वादने इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद 1:30 यानी कि 1:30 बजे, तो 30 का क्या होता है? सार्ध होता है। ठीक है, सार्ध होता है, तो उसी तरह ध जो लास्ट है तो इसी पर डबल एकले हो जाएगा, यहाँ पे वादने ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए लिखाता नहीं है, इसका डबल एकले आ जाता है। उसी तरह 1:45 है तो इसका तो बहुत सिंपल है, 45 का क्या हो जाएगा? तो पादोन हो जाएगा, और एक जो है नेक्स्ट हो जाएगा 2 में, तो क्या हो जाएगा? पादोन 2 वादनी हो गया। चलिए, तो इतना जो है कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो घटिका का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब भाग कहाँ रहे हैं सुनिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्रमोशन नहीं है। ठीक है, उस पे जाइएगा, आज के लेक्चर का आपको नोट्स मिल जाएगा और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। हमेशा ध्यान में रखना है कि एक बजे का एक वादने होगा, 1:15 का सपाद एक वादने नहीं लिखिएगा, क्योंकि द और ए मिलके एक संधि हो जाता है, द में का अ जो आपको हम वृद्धि संधि में पढ़ाएंगे, जिस पे डबल एकले चढ़ जाता है, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सपादे एक वादने कहते हैं और इसको सार्धे एक वादने कहते हैं, और पादोन 2 वादने। अब एक आप हमको बता दीजिए, जाते जाते लेक्चर एंड करते करते नोट कर दीजिए, 12:45 का बताइए। बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है, 12:45 हमको पता है, अभी भी बहुत बच्चे का प्रॉब्लम होगा। बताइए 12:45 का क्या होगा? बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा 12:45 का, बता देते हैं। देखिए, कंफ्यूजन मत हो, ये सारा कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में है। 12:45 यानी कि 12:45, तो 45 का तो आप पादोन लिखेंगे ही, पादोन तो लिखना ही है, और 12 बजे के बाद क्या आता है? दिन हो या रात हो उससे कोई मतलब नहीं, 12 बजे के बाद 1 बजता है, तो क्या हम लोग लिखेंगे? पादोन 1 वादने। लेकिन आपको हम सिखाए कि ए लिखा नहीं जाता है, डबल एकले हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? न पे डबल एकले हो जाएगा, तो इस टाइप से लिखा जाएगा। तो 12:45 का जो है ये हो जाएगा, न कि ये। ठीक, समझ गए, 45 है, 45 है, तो पादोन तो हम लोग लिखेंगे ही, और साथ में क्या करेंगे? 12 के बाद क्या बचता है? रात हो, दिन हो, महबूबा का बात हो या कुछ भी हो, क्या होता है? एक बचता है 12 के बाद, तो एक का एक बाद नहीं, लेकिन आपको अभी बताएं कि एक संधि हो जाता है, ए लिखाता नहीं है, तो नए पे क्या करेंगे? डबल एकले हम लोग दे देंगे। संधि कौन सा होता है? तो वृद्धि संधि होता है, संधि के लेक्चर में बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, आप खाइए क्या खाना नहीं तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर का नोट्स और क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार ही शेयर कीजिएगा। ठीक है, एक बार बाबू सोना के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जब तक बाबू छोड़ के ना चली जाए तब तक शेयर करते रहें, और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कीजिएगा जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।